Hi everyone, I'm back with another video, and in this video I'll be talking about Delhi University Admission Application Form 2020. And जो students जिन्होंने अभी 12th standard का exam दिया है, I mean board का exam दिया है, और जो अभी सोच रहे हैं उनको आगे क्या करना चाहिए, तो उनके लिए ये session बहुत ज़्यादा important होने वाला है. तो इस application form को actually मैं दो में divide करती हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली दो में ही डिवाइडेड है. देखा जाए तो फर्स्ट इज मेरिट बेस्ड एंड अनदर इज एंट्रेंस बेस्ड. अगर हम यहाँ पर मेरिट बेस्ड की बात करते हैं, तो इसकी फीस की अगर अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेरिट बेस्ड का यहाँ पर मतलब है कोर्सेज से. कुछ ऐसे कोर्सेज होंगे जिनको आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, आपको 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स ही देखे जाएंगे और उसके बेसिस पे कट ऑफ निकाला जाएगा. तो उसके बेसिस पे ही आपको कॉलेज दिया जाएगा. तो यहाँ पर इस मेरिट बेस्ड का ये मतलब है. और एंट्रेंस बेस्ड का मतलब है कि इसका आपका एंट्रेंस एग्जाम होंगे. तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी. तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरिट बेस्ड की, तो इसकी जो फीस होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, जनरल एंड ओबीसी के लिए 250 रुपीज़ एंड फॉर SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप दैट इज 100 रुपीज़. और अगर हम एंट्रेंस बेस्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर जनरल एंड ओबीसी के लिए 750 रुपीज़ एंड SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप के लिए 300 रुपीज़ होगी. और अब अगर हम बात करते हैं मेन कोर्सेज के बारे में, जो मेरिट बेस्ड कोर्सेज हैं जिनको आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, जो सीधा आपके 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स देखे जाएंगे उनके बेसिस पे ही आपका आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा. जैसे है BA, BCOM, BA वोकेशनल. अब आगे पहले तो मैं आपको कोर्सेज बताती हूँ, फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपको किस कोर्स के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहिए. ठीक है, तो जैसे BA, BCOM, BA वोकेशनल, BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, BSc ऑनर्स मैथ्स, BSc लाइफ साइंस एंड BSc ऑनर्स जियोलॉजी, BSc ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी, BSc फिजिकल साइंस, BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पॉलीमर साइंस एंड BSc ऑनर्स इन जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड BSc फिजिकल साइंस. तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो मेरिट बेस्ड हैं. अगर अब हम यहाँ पर एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन कोर्स की बात करते हैं, तो वो है मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा. ये वो कोर्सेज हैं. अगर आप ये कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो इनके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा. जैसे BA इन इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस एंड 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म. अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, आप उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा. बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन और बहुत सारे हैं. ठीक है, तो ये कुछ एंट्रेंस बेस्ड है. अब मैं बात करती हूँ मेरिट बेस्ड कोर्सेज की. और अगर आपने बायोलॉजी ऑप्ट किया है, तो यहाँ पर बायोलॉजी के लिए मैं एक बार फिर से मेंशन कर देती हूँ. जैसे BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री है, BSc लाइफ साइंस है, BSc ऑनर्स जियोलॉजी है, BSc ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी है एंड BSc ऑनर्स इन जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पॉलीमर साइंस. ये सारी चीज़ें हैं. तो अब आपने बायोलॉजी लिया हुआ है 12th स्टैंडर्ड में, अब आगे क्या करना है. अगर देखा जाए तो सिंपल BSc मुझे लगता है नहीं करना चाहिए. ठीक है, हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की साइड में, आजकल तो लोग 12th स्टैंडर्ड से ही मैं देखती हूँ UPSC की प्रिपरेशन करने लगे हैं, PCS की प्रिपरेशन करने लगे, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं. तो अगर आपको लगता है आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सिंपल BSc कर सकते हैं. बट अगर आपको लगता है कि आप आगे एक अच्छी स्ट्रीम से मास्टर्स करना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते हैं, तो भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है और बहुत कम लोगों ने उस कोर्स को ऑप्ट किया होता है. तो इसलिए वो सिंपल BSc की भी वैकेंसी निकाल देती है कि जिन्होंने BSc इस पर्टिकुलर कोर्स से किया हुआ है, तो वो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वो बात अलग है, वहाँ पर आपसे प्रॉपर रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस वो सब पूछा जाता है. लेकिन अगर आप आगे गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है BSc ऑनर्स जियोलॉजी ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अक्सर देखती रहती हूँ
तो उसमें देखा गया कि बीएससी ऑनर जूलॉजी की बहुत सारी वैकेंसीज, कई बार हर साल में 2 बार तो ऐसी वैकेंसीज आती हैं बीएससी ऑनर जूलॉजी के लिए। और अगर आप और मतलब बीएससी ऑनर जूलॉजी नहीं करना चाहते हैं तो जैसे बीएससी लाइफ साइंस से लाइफ साइंस आप कर सकते हैं, एंड बीएससी ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी आप कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा कोर्स है, एंड बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी भी कर सकते हैं। आप आगे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, या आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, या आप एमएससी आगे जाकर फूड टेक भी कर सकते हैं अगर आपने एमएससी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है। और बीएससी लाइफ साइंस आप कर लीजिए, इसमें भी आगे आप एमएससी लाइफ साइंस से जा सकते हैं, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, तो आपके सेक्टर्स खुलते चले जाते हैं। बीएससी ऑनर्स फूड टेक इज ऑल्सो गुड, जिन लोगों को अपना करियर फूड टेक में ही करना है तो बेटर है कि आप बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी कर लीजिए। कई कंपनियाज होती हैं सॉरी कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो आती हैं और मतलब प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो ये भी अच्छा, जैसे अमूल हो गया, ठीक है, एंड बहुत सारी ऐसी हैं, और डेयरी फैक्ट्रीज हैं, डेयरी कंपनीज हैं, या फिर फूड प्रोसेसिंग की वेरियस कंपनीज होती हैं, तो फूड टेक के स्टूडेंट्स को एक्चुअली वो लेती हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी, बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी एंड बीएससी लाइफ साइंस, ये कुछ इम्पॉर्टेंट मुझे लगती हैं, जो अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आप इनसे अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।